हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जूम में। फ्रेंड्स, 12 मई 2019 को पीटीईटी का जो पेपर आयोजित किया गया था डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा, उसके आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यह आंसर की पूरी तरह से स्मृति पर आधारित प्रश्नों के ऊपर तैयार की गई है। इसमें हम सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्नों को देखेंगे और उनके आंसर की को के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। नेक्स्ट, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जो कि राणा कुंभा के शासन में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है, पार्किंसंस रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो यह शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओरिएंटल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ओरिएंटल पार्क राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह संयंत्र गुजरात में स्थित है और गुजरात के वयारा जिले में यह संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017, यानी कि 2012 से लेकर 2017 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? उसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 12वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? भारत का जो राजस्थान राज्य है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 342,39 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह वर्तमान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव पक्षी विहार जो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्र पशु है बाघ, जिसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं। महलों का शहर किसे कहा जाता है? इसमें राजस्थान नहीं है, इसमें महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है 2 जून 2014 को। ठीक है, आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? ग्रीनलैंड देश है, वहाँ की करेंसी क्या है? तो वहाँ की करेंसी है दानिश क्रोन, जो वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ओके, यूनेस्को द्वारा राजस्थान के कौन से शहर को पीस सिटी का नाम दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेस कोर्स का रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस, ओके, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? भारत के आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेंटन। ओके, अम्बिबासिस किस अंग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2020 का ओलंपिक टोक्यो के में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1615 में आई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? इनके तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। ओके नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ओके नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली यानी कि मत्स्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर थी 8.2%। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी के नाम से कौन सी नगरी शहर फेमस है? तो वह है भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं राजस्थान का। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु से है भरतनाट्यम का। ओके नेक्स्ट है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंडक नदी जिसे कि नारायणी नदी भी कहा जाता है और नेपाल में से शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, इस नदी का उद्गम स्थल है हिमालय। चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है। ओके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है शरीर के? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। ओके सूचना का अधिकार किस वर्ष से संबंधित है? सूचना अधिकार 2005 में बनाया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, किस पद पर थे? तो वे उप प्रधानमंत्री के पद पे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो पीटीईटी 2019 जो कि 12 मई 2019 को आयोजित हुई थी, उसके आंसर की थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ और यूट्यूब वीडियोज की लिंक में एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।